सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं जी ज़ुहैब अहमद पाशा साहब के पास, जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं। सबसे पहली चीज़ आती है FBR। FBR बेसिकली एक अदारा है जो कि इनका जो सना कहते हैं सरकार के लिए, मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो है वो अपना रेवेन्यू इनका जो सना इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठे करता है, टैक्स इनका जो सना जो होता है वो उसको वो इकट्ठा करता है ताकि वो गवर्नमेंट को इनका जो सना कहते हैं दे और गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास NTN। NTN बेसिकली नेशनल टैक्स नंबर को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं FBR में तो ये आपको इश्यू हो जाता है। ये बेसिकली कोई एक एग्जैक्टली इनका जो है कोई एक नया कोई नंबर नहीं होता, ये आपका जो CNIC होता है उसी को ही NTN नंबर इनका जो है वो कहते हैं, यानी कि जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड नंबर को ही हम लोग इनका जो है कहते हैं NTN इनका जो है वो बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है फाइलर। जो वर्ड फाइलर है वो बेसिकली इनका जो है यहाँ पे डिबेटेबल है, मतलब उसके ऊपर हमें इनका जो है कहते हैं थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप डिस्कस कर सकते हैं पाशा साहब के फर्म के साथ। तो इसके अंदर आपको किसी किस्म के अजाफी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि कानूनी फीस की मद में। बिल्कुल, के साथ अगर कोई जाती होती है, ठीक है ना, आप उसको इनका जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करके तो वो वहाँ से अपना क्लेम ले सकते। और इनकम टैक्स आपने वो बिल में जमा करवाया है नहीं है वो एडजस्टेबल है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप इनके दोस्त ने कहते हैं ये देखें जी जो कानून का रास्ता जो सीधा रास्ता उस पर टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी जीत होती है उसमें। आपको इनके दोस्त ने हमारे वो मुल्क के अंदर लोग इस बात से बड़ा डरते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से पा गए थे और बच्चे ही बैठे हुए रहते हैं। सर असल में यहाँ पर साफ लोगों को मिलता नहीं चलता है, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि कुछ आप कह लें जी के काली भेड़े भी हैं, ठीक है ना, जो कि हर जगह पर मौजूद है। मैं सिर्फ अली इनके दोस्त ने कहते हैं वकला बरादरी में नहीं कहूँगा, हर जगह पर वो मौजूद है। वो फिर क्लाइंट को इनके दोस्त ने कहते हैं चंद रुपयों की खातिर जो है ना वो बर्बाद भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, और क्लाइंट का जो है वो वकीलों पर से इनके दोस्त एतबार उठ जाता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों से इजतनाब करें, ऐसे लोगों से बचें। आप एक इनके दोस्त ने प्रोफेशनल वकील को हायर करें जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो, जिसको पता हो कि क्या करना है, और उसके साथ आप इनके दोस्त ने डीलिंग करें। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। मज़ीद तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तफसीलात लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इनकी लॉ फर्म का एड्रेस, सारा कुछ हमने नीचे स्लाइड पे चला दिया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।